अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर एक अडल्ट वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में नाबालिग लड़की को इनडिसेंट तरीके से प्रस्तुत किया था। उस विषय को लेकर हम मुंबई पुलिस को एक याचिका दी थी, जिसमें पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होने की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से हमें एक आश्वासन मिला था कि इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, पर अब तक इस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब जब हम मुंबई पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इस विषय पर कार्रवाई की मांग करते हैं, तो हमें तरह तरह के बहाने मिलते हैं। अब तक इस विषय पर कार्रवाई नहीं हुई है। और इस विषय में राष्ट्रीय बाल हक आयोग का भी मुंबई पुलिस को नोटिस गया है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि इस विषय पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, हमें लिखित में जवाब दीजिए। फिर भी मुंबई पुलिस उस विषय को अनदेखा कर रहे, ना जाने मुंबई पुलिस पर ऐसा कौन सा प्रभाव पड़ा है, इस विषय पर FIR नहीं ले रहे। अब उस विषय के लिए हम दशहरे के दिन कुछ ऐसा हमने एक प्रदर्शन रखा था कि एकता कपूर जी और अल्ट बालाजी कंपनी का हम रावण के पुतले में एक दहन करने का एक प्रदर्शन रखा था। ऐसे कई होर्डिंग हमने जू, अल्ट बालाजी के ऑफिस और एकता कपूर जी के घर के बाहर और जू पुलिस स्टेशन के बाहर और स्टेशनों पर हमने ऐसे होर्डिंग लगाई थी। फिर भी उसको लेकर हमें सुबह 12-1 बजे हमें ऐसे नोटिस जारी की गई थी कि इस विषय पर हम आपको अनुमति नहीं देंगे प्रदर्शन करने के लिए। हमारे राजीव मयाचारण जी को भी नोटिस मिला था, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है। अब इस विषय पर हमें मुंबई पुलिस को यही कहना है, ना तो एक आप FIR कर रहे हो, ना हमें प्रदर्शन करने दे रहे हो। ऐसा आप पर अभी भी कौन सा दबाव है, वो हमें आप खुलकर बताइए। इस भारत देश में अश्लीलता परोसने का काम कर रही है एकता कपूर, और ऐसे कई ऐसे वेब सीरीज वेबसाइट है जो हमारे युवाओं की मानसिकता को नष्ट करना चाहते हैं और हमारी भारत की संस्कृति के साथ ये खेल रहे। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र कटार जी और हमारे महाराष्ट्र प्रमुख जीवन सिंह सोलंकी और हमारी पूरी मुंबई टीम इसका पिछले 1 वर्षों से विरोध कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या इस पर FIR दर्ज नहीं होती है, तो हमारे इस बार उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह से आपने बोला कि याचिका देने जाते हैं तो पुलिस जो है तरह तरह की बातें बताते हैं और अनुमति देने से मना कर देते हैं, तो क्या इसमें पुलिस भी शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस कैसे शामिल, हम आपको ये चीज हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऐसे कई ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जिनको आज भी हम याद करते हैं। और पुलिस ने कोरोना काल में कई पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान को निछावर किया है, तो हम पुलिस पर किसी प्रकार का हम दबाव भी नहीं दे रहे। जो भी हम लीगल कार्रवाई चाहते ऐसे विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और हमारे भारत की संस्कृति है और ये सब चीज़ों की मर्यादा, मान मर्यादा को, क्योंकि भारत देश को मर्यादा और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो आप अपने व्यापार के लिए आप हमारी संस्कृति और मर्यादा के साथ खेल नहीं सकते। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इसका विरोध करती है। एकता कपूर की इधर आज जो आप प्रदर्शन करने वाले थे, वो किन कारणों से नहीं हो पाया? पुलिस का कारण यही है कि एकता कपूर जी के घर के आगे 144 की धारा लगा दी है, जिसमें 2 से 4 व्यक्ति वहाँ पर जा नहीं सकते, और हमें सीधा अल्टीमेट दे दिया गया है कि आप 10 दिन तक इस प्रोग्राम को स्थगित करो, वरना हम आप पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे कार्रवाई करने के लिए उनके पास समय है, पर एकता कपूर जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। काफ़ी जगह पर जो है अत्याचार भी, भले हमें पुलिस प्रशासन परमिशन दे न दे, अनुमति दे न दे, लेकिन करनी सेना अपने प्रदर्शन से जानी जाती है विश्व भर में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी के नेतृत्व में हम हमेशा ही समाज और असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हुए हैं। भले पुलिस ने हमें 144 की धारा में पाबंद किया हुआ है, हमें नोटिस दिया है, लेकिन हम इस दशहरे के दिन पुतला दहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप रहेंगे, हम शांत रहेंगे। करनी सेना शांत नहीं रहती है, करनी सेना प्रदर्शन करती आई है और हमेशा प्रदर्शन करती रहेगी। जिस तरह से अभी बताया पुलिस प्रशासन जो है इजाज़त नहीं दे रही है प्रदर्शन में, क्या प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं देगी तो करनी सेना की ऐसी बैठी रहेगी कि और ऊंची आवाज़ उठाने की कोशिश करेगी? इस बार हमारा उग्र आंदोलन होगा और उग्र रूप से हमारा प्रदर्शन होगा। शायद इसमें हमारे पर अगर कोई गुनाह भी दाखिल होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप?
सरकार से हम मांग यही करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे अश्लील वीडियो परोसने वाले पर कार्रवाई हो, और हमारे देश के युवाओं और युवती के बारे में भी कुछ सोचिए। आज ये लोग ऐसे ऐसे कई ऐसे शो रखते कि हम ऐसे लोगों को काम देंगे। अरे आप काम क्या दे रहे हो, अश्लीलता आप सिखा रहे हो लोगों को, आप लोगों से जाके खेल